नमस्कार, मैं प्रणाली, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल। बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। मैं अगले 2 हफ्ते तक महाराष्ट्र के दुख सुनूंगा। भारत जोड़ो यात्रा को बीच में कोई ताकत नहीं रोक सकती। यात्रा केवल श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही रुकेगी और वहां हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यात्रा का उद्देश्य देश को एक करना है। ये बातें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सोमवार रात महाराष्ट्र में प्रवेश किया। वे सोमवार रात करीब 8 बजे नांदेड़ जिले के देगलूर पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्होंने स्थानीय नेताओं को यात्रा का ध्वज सौंपा। देगलूर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई भी नहीं रोक सकता। कन्याकुमारी से शुरू यह यात्रा जम्मू कश्मीर में ही जाकर रुकेगी। महाराष्ट्र की पतित पावन भूमि में मेरा जो स्वागत किया गया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पर भी अपने संबोधन के दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री पर तीखे शब्दों में तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज देश के हालात कुछ अलग है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, पर प्रधानमंत्री बढ़ती कीमतों की बात कहा करते हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में वे कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया था। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई और आज उसका 61वां दिन है। कांग्रेस द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली नांदेड़ जिले में 10 नवंबर को और दूसरी रैली विदर्भ के बुलढाणा जिले के शेगांव में 18 नवंबर को होगी। राज्य में यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस दौरान 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार 4 दिन नांदेड़ जिले में पदयात्रा की जाएगी। यह यात्रा 11 नवंबर को हिंगोली जिले में, 15 नवंबर को वाशिम, 16 नवंबर को अकोला और 18 नवंबर को बुलढाणा से गुजरेगी।